हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो है हमें बजट के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स मिले हैं हमारे वित्त मंत्री से। अभी अगर हम देखेंगे ओवरऑल क्या चीज़ें रही है आज के इस बजट में, किस सेक्टर्स को क्या मिला है, उसके बारे में क्विकली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसका आपको डेफिनेटली यूज़ होगा फ्यूचर के जो प्रेडिक्शंस हैं उनको गेस करने में और शेयर्स आइडेंटिफाई करने में, जो आगे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो वन बाय वन कुछ चीज़ें कवर करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहला जो है डिफेंस के लिए जो है यहाँ पे एक बजट अनाउंस किया है। तो डिफेंस के लिए 4,54,773 करोड़ का जो है बजट यहाँ पे 2024 में गवर्नमेंट की तरफ से जो है अनाउंस किया गया है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट की जाएगी, जिसके लिए 2,65,808 करोड़ का जो है बजट एलोकेट किया। उसके बाद थर्ड नंबर पे रखा है एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़, और इनके लिए जो है 1,51,851 करोड़ रुपीज़ जो है यहाँ पे अलॉट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी फोर्थ पॉइंट था होम अफेयर्स, जहाँ पे 1,50,983 करोड़ का जो है यहाँ पे फंड दिया गया है। एजुकेशन को रखा है फिफ्थ नंबर पे और उसको दिया है 1,25,638 करोड़ पे। सिक्स नंबर पे आता है आईटी एंड टेलीकॉम कंपनीज, जहाँ पे 1,16,342 करोड़ का जो है यहाँ पे बजट एलोकेट किया गया है। उसके बाद आता है हेल्थ, जिसके लिए 89,287 करोड़ अलॉट किए हैं। फिर आता है एनर्जी सेगमेंट, जहाँ पे 68,769 करोड़ का जो है यहाँ पे बजट एलोकेट किया है। उसके बाद सोशल वेलफेयर जो है उनमें 56,501 करोड़ का जो है बजट अलॉट किया है। एंड देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को भी 56,501 करोड़ का बजट अलॉट किया है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे ओवरऑल डिटेल्स देखोगे तो काफ़ी अच्छे से बजट को जो है डिवाइड किया है, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस में शेयर थे रेलवेज़ के शेयर, जो काफ़ी अच्छी रैली दे चुके थे, आज हमें वो थोड़ी बहुत रेड मात्रा में देखने को मिले। क्यों वो देखने को मिले? बिकॉज एक्सप्लिसिटली ऐसा कोई नाम यहाँ पे जो है वित्त मंत्री की तरफ से रेलवेज़ के बारे में नहीं लिया गया है। बट क्या उसके मतलब हम ऐसे निकाले कि गवर्नमेंट रेलवे प्रोजेक्ट जो भी है आने वाले सालों में डेवलप होने वाले उनको फंड ही नहीं करेगा? तो फ्रेंड्स, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बिल्कुल गलत है। अगर बजट में इनका नाम नहीं दिया गया है, इट मीन्स जो पहले से रेलवे के लिए प्लान बजट थे वही बजट के साथ ये गवर्नमेंट चलेगी। बेस्ट एग्जांपल मैं अभी देता हूँ आपको, रिसेंटली जो है रेल मिनिस्टर जो है हमारे अश्विनी वैष्णव, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है बजट एलोकेशन के बारे में या फिर जो प्लान थे रेलवेज के बारे में उनको एक्सपोज किया गया था, और उनके हिसाब से जो है 1,08,000 करोड़ जो है विल बी यूज टू बूस्ट रेलवेज सेफ्टी इन 24 एंड 25 ईयर्स, यानी 24 के जो बजट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी चेंज रेलवेज में नहीं है। यानी प्रीवियस बजट जो क्या था 2,52,000 करोड़ का जो बजट था वो रेलवेज के लिए अनचेंज रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इंट्रीम बजट जो है अप टू 5% ऑन ए ईयर बेसिस बढ़ सकता है, बट एक न्यूज़ के हिसाब से 2,52,000 करोड़ का जो लोन है सॉरी जो बजट है वो दिया जाएगा रेलवेज को डेवलपमेंट के लिए। एक्सप्लिसिटली जो डेफिनेटली आज के इसमें जो है मेंशन नहीं किया गया है ये यूनियन बजट में, बिकॉज मेनली चीज़ें ऐसे एक्सपोज की जाने वाली थी जिनको नए से जो है यहाँ पे कुछ बूस्ट किया जाएगा, बट रेलवेज ऑन ट्रैक है और उनका जो बजट है उसको एलोकेशन के हिसाब से अनचेंज रखा गया है। यानी 2,52,000 करोड़ का जो बजट है वो वैसा कि वैसा लास्ट टाइम की तरह रेलवेज को दिया गया है, और उसके चलते जो है ये मेंशन नहीं किया आज के वीडियो में रेलवेज के स्टॉक्स गिरे, बट डेफिनेटली एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा रेलवेज के स्टॉक्स में, बिकॉज अभी यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी अच्छे से एनालाइज करेगा कि व्हाट अबाउट रेलवेज अगर मेंशन नहीं किया तो क्या। तो बहुत से लोगों को ये अपडेट मार्केट में देखने को मिलेगा कि बजट जो है अनचेंज रहा है रेलवेज के लिए, वही जो अमाउंट मैंने अभी बोली वही आपको अपडेट्स में भी देखने को मिलेगी। तो यही ओवरऑल डिटेल्स थी फ्रेंड्स बजट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है बजट से रिलेटेड या दूसरे पेनी स्टॉक्स या मल्टीपैकर स्टॉक्स, आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहेगा, जिसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।